गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपसे बात करेंगे हायर परचेज के बारे में और उसके एक नए टॉपिक के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर और हायर परचेजर की बुक्स में किस तरह से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। अब बात आती है पोस्ट सेल सर्विस बाय द हायर वेंडर। जिस समय हायर परचेजर किसी गुड्स को खरीदता है तो सबसे पहले उसके मन में यह बात आती है कि ये वस्तु, ये जो प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है, ये कितने साल तक जो है सर्विस देगा या कितने साल तक जो है ये सही प्रकार से काम करेगा। तो यहां से क्वेश्चन अराइज होता है गारंटी और वारंटी का। यहां से क्वेश्चन अराइज होता है सर्विस आफ्टर सेल, सेल के पश्चात सर्विस, कि यदि किसी भी तरह से इस प्रोडक्ट में यदि कोई डिफॉल्ट आ जाता है या किसी तरह की कोई कमी आ जाती है तो क्या वेंडर उसकी रिपेयर या आफ्टर सेल सर्विस जो है उसकी प्रोवाइड करेगा या नहीं, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो जिस समय प्रोडक्ट या ट्रांजैक्शन को किया जा रहा होता है उस समय हायर वेंडर और हायर सेलर के बीच में ये क्लॉज भी तय कर ली जाती है कि यदि किसी तरह की उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसकी प्रोविड जो उसकी सर्विस है आफ्टर सेल सर्विस, रिपेयर या मेंटेनेंस जो है वो वेंडर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं। नॉर्मली एक साल या दो साल या तीन साल की इस तरह की जो सर्विस है वो वेंडर के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बुक्स में जो हम अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन करते हैं उसमें क्या चेंज होगा। जब पोस्ट सेल सर्विस की बात वेंडर के द्वारा की जाती है तो वो पहले से ही एक एस्टिमेट कर लेता है कि इस प्रोडक्ट को जिसको कि वो सेल कर रहा है उस पर एक साल में, दो साल में या तीन साल में कुल मेंटेनेंस का जो चार्ज है वो कितना होगा, पहले साल में कितना होगा, दूसरे साल में कितना होगा, तीसरे साल में कितना होगा, ये एक वो रफ एस्टिमेट जो है लगा लेता है। और उतनी अमाउंट जो है वो पहले से ही सेल्स की अमाउंट में ऐड कर लेता है, वो पहले से ही उसकी अमाउंट जो है सेल्स में ऐड कर लेता है। जिस समय सेल्स की जाती है तो सेल्स में से उस अमाउंट को जो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए हायर वेंडर ने सेल्स में इंक्लूड की थी उसको रिपेयर मेंटेनेंस या रिपेयर रिजर्व उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो एक्चुअल एक्सपेंसेज होते हैं वो एक्चुअल एक्सपेंसेज जो रिपेयर के हैं वो उस अकाउंट से मेट किए जाते हैं, जिसको कि हम रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर रिजर्व अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो यहां मुख्य बात यह है कि इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर परचेजर की बुक्स में किसी भी तरह का कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके यहां जनरल एंट्रीज, अकाउंट्स, एनालिसिस टेबल उसी तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे कि हम पहले करते आए हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी तरह का प्रोडक्ट में कोई कमी आ गई है, उसकी रिपेयर की जरूरत हो गई है, तो परचेजर का तो काम केवल इतना है कि उस प्रोडक्ट को अपने यहां से उठा करके वेंडर के सेल्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट के पास भेज दे और वहां
उसकी जो सर्विस है, जो रिपेयर है, वो रिपेयर हो जाएगी और उसके बाद वो वापस मंगा ले। तो इसके लिए कोई एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर, परचेजर की बुक्स में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर की बुक्स में चेंज होगा। उसको एक सेपरेट अकाउंट रिपेयर मेंटेनेंस या रिपेयर रिजर्व के नाम से प्रोवाइड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो उसकी बुक्स में चेंज होगा। तो देखते हैं इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन है उसमें क्या चेंज होगा। तो आप देखिएगा कि आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो इसी टाइप का है, मिस्टर एक्स परचेज ए स्कूटर फ्रॉम वाई अंडर द हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 जनवरी 2017 को ये एक स्कूटर परचेज किया गया है मिस्टर एक्स के द्वारा। द कैश प्राइस ऑफ द स्कूटर इज 16,000, कैश प्राइस रुपीज 16,000, कैश प्राइस जो है वो 16,000 रुपए है। एंड द पेमेंट इज टू मेड इन 4 हाफ एल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 4,500 ईच। पेमेंट है, पेमेंट रुपीज 4,500 फोर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट द वेंडर विल प्रोवाइड फ्री रिपेयर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, फ्री रिपेयर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के लिए फ्री रिपेयर की बात भी की गई है वेंडर के द्वारा। द एक्चुअल एक्सपेंसेज ऑफ मेंटेनेंस वर रुपीज 400 and 700, एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंसेस रुपीज 400 and 700, रुपीज 400 and 700 रेस्पेक्टिवली क्रमशः, फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर रेस्पेक्टिवली, दो अकॉर्डिंग टू पास एक्सपीरियंस दे शुड बी ऑफ रुपीज 1500 ऑफ विच रुपीज 300 फॉर द फर्स्ट ईयर। वेंडर ने जो एस्टिमेट किया था वो एस्टिमेट था एस्टिमेटेड रुपीज 1500 आउट ऑफ विच रुपीज 300 फॉर फर्स्ट ईयर। इसका मतलब यह हुआ कि 1500 रुपए टोटल एस्टिमेट किए थे फॉर द 2 ईयर्स, दोनों साल के लिए, जिसमें से 300 रुपए जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए है। इसका अर्थ सीधा सीधा ये हुआ कि रिमेनिंग 1500 माइनस 300 इज इक्वल टू रिमेनिंग रह गए 1200, 1200 रुपए। ये 1200 रुपए जो है ये फॉर सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर के लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन गिवन है, तो अब हम देखें कि हमारे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वी आर गिवन द कैश प्राइस, वी आर गिवन द पेमेंट रुपीज 4500 इंस्टॉलमेंट है, 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो 4500 इंटू 4 इट्स कम्स टू 18,000। ये 18,000 हमारा हायर परचेज प्राइस हो जाएगा। दिस इज कैलकुलेटेड बाय अस, 4,500 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 18,000 पेड किया गया है। तो कैश प्राइस 16,000, हायर परचेज प्राइस
इज 18,000. इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन. इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन टू अस. इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है तो टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, दैट इज 18,000 माइनस 16,000 इज इक्वल टू रूपीज 2,000. ये टोटल इंटरेस्ट हो गया. तो अब इसकी जो एनालिसिस टेबल हमारे को बनानी है, वो एनालिसिस टेबल बनेगी व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, जब इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है. और जब इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है तो हम प्रोडक्ट मेथड को भी लेकर के चलते हैं, जो यूनिवर्सल मेथड है. और उसके साथ साथ हमने बताया था कि यदि क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड और उसके साथ साथ इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो अगर सेम दी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो आप इसकी एनालिसिस टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकाल करके. तो देखते हैं कि किस तरह से इसकी एनालिसिस टेबल जो है प्रिपेयर की जाएगी. ये आपने नोट कर लिया होगा. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एनालिसिस टेबल. फर्स्ट जनवरी 2017 को यह परचेज किया गया है. इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट्स हैं, पहले तो कोई एट एग्रीमेंट पेमेंट नहीं हुआ है, फिर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है 30th 6 2017, 31st दिसंबर 2017, 30th 6 2018 और 31st दिसंबर 2018. ये 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि आपने राइट डाउन कर ली हैं. टोटल इनका 18,000, दैट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस, जो कि हायर परचेज प्राइस के बराबर होगा. फिर हमने बताया था आपको कि इसमें एक रेशियो जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. एट एग्रीमेंट में जब पेमेंट करते हैं तो उसका तो तुरंत पेमेंट आप कर देते हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट हमारे को पे नहीं करना होता, तो उसका रेशियो नहीं आता है. और इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जब टाइम पीरियड के लिए आपका इक्वल है और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट अगर आपकी इक्वल है तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती है वहां से हम उसको स्टार्ट करते हैं, उसका रेशियो वहां से स्टार्ट होता है. जैसे इस क्वेश्चन में 4 इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन टू यू, 4 इंस्टॉलमेंट आपको दी गई है, तो पहला रेशियो जो आपका आ जाएगा वो 4, क्योंकि उसमें 4 किस्तों का इंटरेस्ट पे करना है. फिर उसके बाद एक किस्त जब आप पे कर देंगे तो 3 किस्तों का इंटरेस्ट पे करना होगा, फिर एक और किस्त पे आपने कर दी फिर 2 किस्तों का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, और आखिरी वाली किस्त के लिए उसी का ही इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड होता है और वही आपको पे करना पड़ता है. तो इस तरह से ये रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन ये रेशियो मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको मेंशन किया, केवल उन्हीं क्वेश्चंस में होगा जिनमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट एंड द टाइम पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल, सेम आइडेंटिकल. तो ये आपका रेशियो आ गया. और ये रेशियो जो है इसका जो टोटल है 4, 3, 7, 2, 9 एंड 1, 10. अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे. एट एग्रीमेंट का कुछ कैलकुलेट होता नहीं. टोटल इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया था 2,000 × 4/10 इज इक्वल टू 800 आ जाएगा. दूसरे इंस्टॉलमेंट में 2,000 × 3/10 ये 600 आ जाएगा. फिर 2,000 × 2/10 इज इक्वल टू 400 एंड 2,000 × 1/10 इज इक्वल टू
200 और इसका जो अमाउंट है वो 2000 होना चाहिए टोटल इंटरेस्ट के इक्वल। अब कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस और टोटल कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस है 16,000 एट एग्रीमेंट में कोई पेमेंट नहीं, 16,000 ही रह गया। फिर पहली इंस्टॉलमेंट थी 4,500 की, 800 इसमें इंटरेस्ट का इंक्लूडेड है तो वो लेस कर देंगे, 3,700 इसमें से 3,700 हमने पेड कर दिया तो हमारे पास जो बैलेंस रह गया वो रह गया 12,300। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है 4,500 की, 600 इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है तो यह आ जाएगा 3,900, इसमें से 3,900 को हम लेस कर देंगे 8,400 का बैलेंस आ गया। लास्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट 4,500 की, 400 इंटरेस्ट इंक्लूड है तो 4,100 विदाउट इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी, 4,100 इसमें से लेस कर देंगे तो 4,300 बैलेंस रह जाएगा, 4,500 में से 200 लेस करेंगे 4,300 और 4,300 में से 4,300 लेस करेंगे तो दैट्स नो अमाउंट बैलेंस, कोई भी अमाउंट जो है हमारे पास अब बैलेंस में नहीं है। तो इस तरह से ये इसकी एनालिसिस टेबल जो है आपने फ्रेम कर ली, और ये एनालिसिस टेबल तब हमने फ्रेम करी है जब हमारे को इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते कि किस तरह से वेंडर की बुक्स में चेंजेज होंगे। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर की बुक्स में सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे हायर सेल्स अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट हमारा जो होगा हायर सेल्स अकाउंट होगा, और हमने गुड्स को जो सोल्ड किया है वो मिस्टर वाई को सोल्ड किया है तो हायर सेल्स अकाउंट में सबसे पहले हमारी एंट्री हो जाएगी मिस्टर वाई डे आर, मिस्टर वाई को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि उसने उसको परचेज किया है, और हमारी जो सेल्स है वो क्रेडिट हो जाएगी टू हायर सेल्स अकाउंट। तो यहां जब हमारी पोस्टिंग होगी वो होगी 1 जनवरी 2017 को बाय मिस्टर वाई, और ये टोटल कैश प्राइस से ये आपकी एंट्री हो गई 16,000। हमने बताया था कि ईच ईयर जो भी सेल्स आपकी होती है 31 दिसंबर 2017 को इसको हम ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में विशेष बात यह है कि इसमें कुछ अमाउंट रिपेयर मेंटेनेंस की भी है, रिपेयर मेंटेनेंस की भी अमाउंट है, और वो रिपेयर मेंटेनेंस की अमाउंट जो इस्टीमेट की गई थी वो 1500 थी, तो इसमें 1500 रिपेयर मेंटेनेंस के अमाउंट भी है तो रिपेयर मेंटेनेंस टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट, और ये 1500 हमने इससे ले लिए और बाकी की जो अमाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एज यूजुअल जैसे कि हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये 16,000 हो गया, ये भी यहां हम 16,000 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 14,500 दैट विल बी ट्रांसफर टू, ये इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, इसको हम ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
तो इस तरह से ये हायर सेल्स अकाउंट बना। फिर हमारे को परचेजर का अकाउंट बनाना है, मिस्टर वाइज ब्रैकेट में हायर परचेजर अकाउंट, इसका अकाउंट हम जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2017 को आ जाएगा टू हायर सेल्स अकाउंट 16,000, एट एग्रीमेंट में कोई पेमेंट नहीं है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट भी हो जाएगा कब, 30/6/2017 हाफ ईयरली टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट की जो अमाउंट आपने कैलकुलेट करी थी फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट हाफ ईयरली के लिए थी 800। फिर जब इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई तो पेमेंट मिल जाएगा, पेमेंट को रिसीव करने की एंट्री कर देंगे बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। फर्स्ट हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट थी 4500 की। फिर एक इंटरेस्ट और ड्यू हो जाएगा 31 दिसंबर 2017 को टू इंटरेस्ट अकाउंट, नेक्स्ट इंटरेस्ट जो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है उसका 600 है, फिर पैसा हम रिसीव कर लेंगे 31 दिसंबर 2017 को बाय कैश अकाउंट 4500, और ये जो अमाउंट है फिर इसका बैलेंस निकल जाएगा क्योंकि ये ईयर जो है आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका जो अकाउंट है का जो है ये बैलेंस आ जाएगा 31 दिसंबर 2017 को। यही बैलेंस फिर आप लेकर के आएंगे 31 दिसंबर का जो बैलेंस है इसको आगे लेकर के आएंगे नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2018 में टू बैलेंस डीडी बैलेंस लेकर के जाएंगे 8400। फिर 30 जून 2018 में इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी टू इंटरेस्ट अकाउंट, तब इंटरेस्ट है 400, फिर पेमेंट रिसीव कर लेंगे 30 जून 2018 में बाय कैश अकाउंट 4500 का कर लिया। फिर 31 दिसंबर 2018 में फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट की अमाउंट 200 है, फिर इस इंस्टॉलमेंट को रिसीव कर लेंगे बाय कैश अकाउंट, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 4500, और अब इस अकाउंट को जो है हम क्लोज कर देंगे। अब कोई बैलेंस जो है वो रिमेनिंग नहीं रहेगा बिकॉज वी हैव पेड ऑल द अमाउंट, हमने सारी की सारी राशि को भुगतान कर दिया है। तो ये दूसरा अकाउंट था जो मिस्टर वाई का अकाउंट था, जो हायर परचेजर था, हायर परचेजर का अकाउंट आपने प्रिपेयर किया इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो यहां तक देखा आपने, बस केवल ये एक चेंज आया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होगा। मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास ये जो एंट्री हमने ली थी, ये हमने ली थी हायर सेल से, तो यहां पर आ जाएगा बाय हायर सेल्स अकाउंट 1500। 1500 रुपए एस्टिमेट किए थे वेंडर ने कि ये जो रिपेयर के लिए होंगे दोनों सालों के लिए 1500 रुपए होंगे, जिसमें से 300 रुपए जो है उसने फर्स्ट ईयर के लिए करे थे।
जबकि एक्चुअल में जो एक्सपेंडिचर हो गया 31st दिसंबर 17 में टू कैश अकाउंट, एक्चुअल में जो पेमेंट हुआ वो पेमेंट हुआ कितना 400 रुपीज, 400 रुपए हुआ, जबकि इस्टीमेट कितने किए थे 300 किए थे, खर्चा कितना हुआ 400 का, तो 100 रुपए पहले साल में ज्यादा लग गए। अगर इस तरह से कोई इस्टीमेट किया हुआ है अमाउंट और उसमें कम या ज्यादा लग जाता है तो देट विल बी टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेते हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस अमाउंट को, जो 100 रुपए की कमी हमारे को फर्स्ट ईयर में पड़ी है, तो यहां हम ले लेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट 100 रुपीज, और यहां इसका बैलेंस निकाल देंगे। तो ये बैलेंस हमारा जो रहना चाहिए सेकेंड ईयर के लिए बैलेंस रहना चाहिए 1200 रुपए, कुल टोटल 1600, ये 1600। अब नेक्स्ट ईयर में चलते हैं, नेक्स्ट ईयर में यही बैलेंस यहां आएगा बाय बैलेंस बीडी, और ये बैलेंस है 1200 का। एक्चुअल एक्सपेंसेस 31 दिसंबर 18 में जो हुए हैं टू कैश अकाउंट, जो रिपेयर मेंटेनेंस का एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो 700 रुपीज हुआ, जबकि हमने उसके लिए प्रोविजन किया हुआ था 1200 का। अब 2 ही साल की गारंटी दी थी, 2 साल की गारंटी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास 500 जो है वो बैलेंस बचे हैं, जिसको कि अभी हमने आगे भविष्य में कुछ भी नहीं करना है वेंडर ने, तो इसका मतलब कि ये जो अमाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये आपने देखा कि किस तरह से पोस्ट सेल सर्विस जो वेंडर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो वेंडर की बुक्स में ही चेंज होता है, परचेजर की बुक्स में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से ये पोस्ट सेल सर्विस का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट जो हायर परचेज की आपको वीडियो हम देंगे, उसमें डिफॉल्ट की बात बताएंगे कि किस तरह से परचेजर के द्वारा यदि डिफॉल्ट कर दिया जाता है तो गुड्स को किस तरह से वेंडर को ये राइट होता है कि वो किस तरह से उसको रिपर्चेस कर ले, वापस ले ले। तो तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, जिसमें डिफॉल्ट के बारे में हम आपको बताएंगे।